वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज और शाम रईस। इस टाइम हम लोग कलाम में और कलाम से निकलने वाली कर रहे हैं। हमारे पास एक जीप, दूसरी जीप, तीसरी जीप, तीन चार जीप आई हुई हैं इस तरह की, और हम लोगों को अब निकलना है यहाँ से आगे। और कुछ हमारे साथ और दोस्त आ रहे हैं, ये वाली जीप में हम लोग बैठ रहे हैं, बाकी हम लोगों ने कर दिया क्योंकि कुछ लोगों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। तो हम लोगों ने तीन कपल्स इधर, तीन कपल्स उधर, तो हम लोग इधर आ रहे हैं, बाकी वो लोग इधर आ रहे हैं। अभी हम लोग आगे कौन सी लोकेशन में जा रहे हैं? आगे इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा मटनतान और ओशो फॉरेस्ट के, उसके लिए विजिट के लिए। सही है। तो उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो आगे एक और पॉइंट है, उधर भी जाएंगे, नहीं तो हम वापसी में शरात को फिर दोबारा आगे बहरेन जाएंगे। बहरेन से फिर हमारा उधर का टूर, फिर अभी हमारे पास दो पॉइंट है और तीसरे पॉइंट में हम अगर मिला मौका, टाइम मिला फिर जाएंगे। बर्फबारी हो रही है वहाँ पर, आगे सुनने में आ रहा है कि बर्फबारी ज्यादा है। इससे ऊपर का इलाका है, ऊपर का इलाका है जहाँ पे लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं, उधर से ज्यादा ठंड होने की वजह से आपने रास्ते में देखे जा रहे हैं, इसलिए बाकी दो पॉइंट हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते जाए हमारे साथ शाम में वीडियो बनाते जाएंगे। चलो चलो चलो, गाड़ी में जा रहे हैं, अपडेट देते हैं। वो फाइनली हम लोग फॉरेस्ट में इस टाइम, और यहाँ पर जो है ना फॉरेस्ट में सीन ऐसा है कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं भाई, चारों तरफ, और बहुत ही प्यारा कोई व्यू है। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ, ज़रा अपडेट लेता हूँ आपसे, उनसे बताता हूँ। फॉरेस्ट में हम लोग, ओशो फॉरेस्ट। अच्छा, क्या खूबसूरती, क्या यहाँ पर ट्रेडिशनल? ये 4 किलोमीटर पर वाक़ है ओशो फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी खूबसूरती आपको यही है, आप सीज़न पे आओगे तो आपको ये सब ग्रीन मिलेंगे, आपको अच्छी की नीचे जगह ग्रीन। अभी दिसंबर में, नवंबर में आए हो, ये सब सफ़ेद नज़र आ रहा है आपको, बस यही फ़र्क है। सफ़ेदी की अपनी खूबसूरती है, ग्रीनिश की अपनी खूबसूरती है। ओए, कहाँ लेके जा रहे हो? क्या नाम है? इस्माइल। और तुम्हारा? शौकत। शौकत, रुको जरा, हेलो, एक मिनट एक मिनट, इस्माइल शौकत रुको, पकड़ना एक मिनट, एक मिनट। हमने यहाँ से इस्माइल और शौकत से भी मुलाकात कर ली है। और लाइट इस्लाम अतंग हो रहा है, और अतंग करने जा रहा है अपना भाई साहब। जशान भाई, आपकी बचपन की याद है ये सारी? बहुत भाई, ये तो क्या कहते हैं, बचपन में हम इतने बहुत, इससे भी ज्यादा दूर दूर तक जाते थे, स्लाइडें मारते थे, स्लाइडें मारते थे। और जो जशान भाई की बचपन की आदत है ना, तो वो वाले स्लाइड आज हम मार रहे हैं। वीडियो बनाते हैं हम, ये इनको दे देते कैमरा, एक मिनट बस आगे जाके आप वीडियो बना लेना, हम कर सही है। श्याम भाई को भी बता दिया, माशाल्लाह जो है ना सिनेमा है, ये बचपन की इनकी यादें, और हम जो है ना इनके साथ स्लाइडिंग में आए, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सीरियसली। और ये थे हमारे कैमरा मैन, हमारे अभी कैमरा संभाल रहे, मैं भी भारी हूँ, देख लो भारी हूँ, चलो बिस्मिल्लाह, देख ले सब को इनकी बचपन की यादें ताज़ा करवा रहे। यार बचपन की यादें इनकी और हमारी भी, अब जो है ना ये यादें बन गई हैं सीरियसली। जगह बहुत प्यारी है, बोलते हैं ना सिर्फ यादें रह जाती हैं, तो यादें रह जाएंगी। मेरे घर वाले देख रहे होंगे, अम्मा अब्बा बहन भाई सब इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ग्रुप फोटो लेंगे, वापसी जाएंगे हम आगे की तरफ, आगे देते हैं अपडेट, यहाँ की बहुत ज़्यादा हो गई अपडेट। सही है, सो ऑलराइट, हम लोग इस टाइम ओशो पार्क में मौजूद हैं, और मेरे बैक साइड पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दरिया सवाद ऊपर, और बर्फबारी हो रही है। तो मैंने अभी कुछ तस्वीरों के लिए अपना शॉल और अपनी जैकेट उतार दी थी, बट रिस्क ले लिया था मैंने। ये सीन ऐसा है कि बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोगों को अभी जगह दिखाता हूँ। अभी हम थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के बाद दरिया के थोड़ा पास जाएंगे, तो लेट्स सी कितना
चलो 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 चलो, मैं चल रहा हूँ। बहुत प्यारी जगह, सही हमें जगह दिखा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सामने का व्यू चेक करो आप लोग, दरिया सवाल और ये जो सीन है ना, ये वाली जो जगह है, ओ हो हो, सारे पैसे इधर के हैं भाई। उफ, ये क्या है? ओके ओके, कुछ चीज़ें काजू वगैरह यहाँ पर, ड्राई फ्रूट वगैरह मिल रहा है। लेट्स सी, लेते नहीं लेते हैं, कुछ लोग ले रहे होंगे तो हम ले लेंगे, देखते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पहचान नहीं है ड्राई फ्रूट की। और नीचे जाके बैठते हैं, अगर चाय वाय का कोई सीन बनता है तो चाय वाय पीते हैं, और लेट्स सी जाते हैं आगे। और नीचे दरिया जो नज़र आ रहा है ना, बहुत ही कोई प्यारी जगह है, सही है। अब मसला ये आ रहा है मेरे साथ कि मेरे कैमरे की जो है ना बैटरी हो रही है लो, और मुझे जो है ना, अगर तीसरा पॉइंट तक अगर मेरा कैमरे की बैटरी चलती है तो सही है, वरना मुझे अपने मोबाइल से व्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जा रहा हूँ नीचे, आपको व्यू दिखाता हूँ। क्या नाम है? हाँ मामा, क्या नाम है? अखमलजादा। मनजादा? अखमलजादा। अखमलजादा, अखमलजादा, और दूसरा क्या था? इब्रार हुसैन। हमारे दोनों साथ हैं, शर्माने का नहीं है। स्लोर चाय रखा, चार चाय को कैसे बोलेगा, जल्दी बता, जल्दी बता। चूर चाय, स्लोर चाय रखा नहीं, स्लोर चाय, स्लोर चाय रखा। इतना शर्मा क्यों रहा? कैमरे से शर्मा रहा यार, इनके तो इंटरव्यू करने हैं, नहीं दे रहे ना इंटरव्यू यार ये लोग यार। अच्छा तुम अपना नाम नहीं बताया तुमने, जल्दी से बताए नाम। ए शाकिर, शाकिर कौन है? बहरहाल भाई यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दरिया वाली साइड पे, सही है। ये जगह बहुत स्लिप हो रही है, हमारी बेगम के और बाकी सब लोगों के फ़ोटो शूट चल रहे हैं, तस्वीर वस्वीरें खींच रहे हैं, बट हम जो है ना आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दरिया। बहुत नीचे आ चुका हूँ मैं दरिया के ना, बहुत करीब आ चुका हूँ, और बर्फ़बारी थोड़ी कम हो चुकी है, जब आए थे हम बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। बहरहाल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की कोई भी चीज़ खाना पीना करूँ, तो यहाँ पर भी चाय मंगवाइए, यहाँ की चाय तो मतलब चाय कॉफ़ी तो हर जगह चल रही है, तो चाय मंगवाइए, चाय पियेंगे और फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, तुम मीडिया से है तुम्हारा? मैं यूट्यूब व्लॉगिंग करता हूँ। ये पूरा व्लॉग मैं यूट्यूब में डालूंगा। मैं अपने कुछ टूर के दोस्तों से आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये रहे हमारे भाई, भाई का नाम क्या है? जमाल। जमाल भाई है, ये भी हमारे भाई कराची से, और कराची की कौन सी जगह से सोचो सोचो सोचो, बंस रोड से, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा जो व्लॉगिंग करने जाते हैं ना अक्सर खाने पीने की, तो बंस रोड से। बंस रोड पे कौन सी जगह? मेन बंस रोड। मेन बंस रोड, क्या बात है, क्या बात है। आशिम भाई है माशाल्लाह, मेडिकल के स्टूडेंट है, इंट्रोड्यूस हमें करवा दिया था, आप लोगों से करवा रहा हूँ। आशिम भाई के, सो आई एम हाशिम, और जगह के बारे में बताऊं? जगह के बारे में बता दें, अपने बारे में भी थोड़ा सा, क्या एक्सपीरियंस गुजर रहा है आपका, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, मैं पर्सनली विंटर पर्सन हूँ। अच्छा, सो मेरे ख्याल से सौरभ में विंटर में आना इज लाइक द हेवन इन द अर्थ, और कंपनी मैटर बहुत ज़्यादा करती है, और बहुत डिसेंट लोग हैं, सो फार मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, इवन दो मैं अलोन हूँ, लेकिन स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे एक मैं पर्सनली सवाल कर सकता हूँ, क्यों मतलब सिंगल है? मैंने दो चार बार दोस्तों के साथ ट्रैवल कर लिया है, सो इस बार मैं सोच रहा था कि अकेले करके, मतलब ये भी सीन होता है, हम सोच रहे होते हैं कि अकेले कैसे निकले, भाई निकल कर आ चुके। थैंक यू यार, क्या बात है। अच्छा सीन है। अच्छा तो कहाँ गए आप? हाँ भाई, ये रहे हमारे ससुराली। ससुराली हमारे, ओहो ससुराल से ताल्लुक है इनका, ताल्लुक असल में बर्फ आ रहे हो, चगाओ मीठा, चगाओ मीठा, चगाओ लवली। ओहो यहाँ का बर्फ खा रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है भाई, कैसा आपका गुजर रहा है? आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कुछ बात कर रहे हैं जैसे हम अभी अभी मिले आपसे। कैसा एक्सपीरियंस हो गया भाई आपका यहाँ पर? एक्सपीरियंस देखो भाई, पहले तो ये है कि फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर टूर हुआ है, सही है। पहली रात तो हमारी बहुत बुरी गुजरी थी, बहुत ज्यादा ठंड लगी थी, लेकिन सेकंड डे हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सही है। आप लोग भी जो भी देखे आए, एंजॉय करें यहाँ पे,
और ये नसीब वालों को होता है बर्फबारी मिल जाती है, नसीब वालों को बर्फबारी, और हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं, हमें बर्फबारी मिली हुई है यहाँ पर। हाँ सही है। हाँ हम लोग का मतलब अभी बहुत सारे ऐसे खुश नहीं हो रहे थे, अब जाके सब देखा ना, कल हम खुश नहीं थे लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छा वेदर मिला। ये है इनका ताल्लुक जो है ना भाई, कहाँ से आप सोच सकते हो, सऊदीया से, 48-45 डिग्री सेंटीग्रेड से ही आए हैं डायरेक्ट माइनस। दिमाग खराब हो गया हमारा, दिमाग खराब हो गया है। असल भाई कैसा गुजर रहा है एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ और खाना भी हमने मजे के खाए, खाना भी अच्छा। अभी हम यहाँ तकरीबन -4 टेम्परेचर पे हैं। -4 पूछा तो ज़्यादा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वी आर फीलिंग वेल, क्योंकि रात में जो है वो हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, हमारे मजाक किया है। -4 में भी हम बर्फ खा रहे हैं, -10 में हमें बोल के -14 में ले गए। चाय पियेंगे आप? चाय पी ली हमने, चाय पी लिया आपने मामा? दूध पत्ती है लेकर आपको देना है कुछ छोटा सा इंटरव्यू। हम आ रहे हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत कोल्ड गुजर रहा है, और क्योंकि हम कराची से हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा पर हम नसीब वाले हैं, नहीं है कि हमें नहीं, हम नसीब वाले तो है हम, और हम मतलब ब्लेस्ड है हम, मतलब क्यों ना शुक्री करें जो बात है। आरिफा इतना डेयरिंग करके आप ऊपर से नीचे आए कैसा एक्सपीरियंस गुजर रहा है? बहुत बुरा, बहुत बुरा, यकीन करें बहुत बुरा। अरे भाई को लगता सर्दी पसंद नहीं है, सर्दी अच्छी है, ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। चलो यार आरिफ भाई और भाभी हमने ले लिया, अब ये ब्लॉग में तो आ जाएगा, बाकी कल जो हमारे ब्लॉग आएगा वो फिर नेक्स्ट बन जाएगा। सही है, आज का हमारा ब्लॉग सही हो गया, ये वाला है सही है। बाकी भाई हमारा खाना पीना बहुत अच्छा था, आज का जो रात का खाना होगा वो भी हमें नहीं पता क्या होगा, पर कल जो है हमारी कढ़ाई थी तो वो भी बड़ी वीआईपी थी। और अब हम अपनी बेगम को टाइम देने जा रहे हैं, व्लॉग हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, मज़ा आ गया है। सही है, मैं बोलता हूँ आखिरी पॉइंट छोड़ो यार, बस यहीं तक ही रख लो आखिरी पॉइंट में, हमारी बैटरी रहे ना रहे हमें नहीं पता, पर कल मैं ख़ास ख्याल रखूँगा, अपना कैमरा लाजमी चार्ज करके रखूँगा। आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और वेदर के बारे में लाजमी बताओ कि कैसा है। मैं फिर बता रहा हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता कैमरा रखने के लिए, मेरा दिल चाहता है यहाँ पर बस इतनी व्लॉगिंग करूँ भर दूँ मैं, बट ऐसा नहीं कर सकता ना, एक ही जगह कितनी बार दिखाओगे आप, बहुत सारी जगह और हैं। ऊपर वाला ब्रिज है, ब्रिज में नहीं लेके जा सका क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है, शूज़ में पानी जा रहा है, तो मतलब पानी जो है ना वो पाँव में जम रहा है और पाँव पूरे शेल हो रहे हैं, और बेगम नाराज़ हो जाएगी, जाना पड़ेगा उसके पास, काफ़ी टाइम हो गया 7-8 मिनट से मैं अकेला लगा हुआ हूँ। सही है भाई, कल मिलते हैं, अच्छा व्लॉग बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया है, वेदर अपडेट हम बताते रहेंगे आपको, कल दूसरी जगह पे जहाँ भी जाएंगे आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।